का दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी एक्सपर्ट के अंदर। पहला टॉपिक बताया था, ठीक है, उसके अंदर पदार्थों के बारे में बताया था। अब इसमें क्या है, पदार्थों की दूसरी स्टेज है परमाणु। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज है, कैसे बनता है और इसे कैसे बांटा गया है, ठीक है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो पहला देखते हैं परमाणु। परमाणु मैंने बताया था प्रकृति का मूल कण है, मूल कण है, ठीक है, जो तीन कणों से मिलकर बना होता है, या तीन तत्व तो बोल सकते हो। कौन कौन से है, एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, तीन कणों से मिलकर बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा बताओ, परमाणु से प्रकृति में कोई छोटा कण है, तो हाँ तीन कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन्हें समझने के लिए इनका अध्ययन करेंगे, इसका आकार क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं परमाणु का आकार, सेंटीमीटर और मीटर दोनों में अध्ययन करेंगे। आकार परमाणु का कितना होता है, 10^-8 सेंटीमीटर, या मीटर में बोलोगे तो 10^-10 मीटर हो जाता है परमाणु का आकार, ठीक है। अब इसमें तीन कण हैं, जिनसे पहले इनकी इनकी खोज करते हैं, उनकी एक छोटी स्ट्रिप बनाई मैंने, वो देख लेना। ठीक क्या है, कोई लड़का है मेरे पास आया, मैंने उसे चुपके से बुलाया था, ठीक है, आया कैसे, वो है दीवार फांद कर, दीवार को फांद कर, तो तुम दीवार को फांद कर आया, तुझे किसी ने देखा नहीं, जब मुझे दो लोगों ने, तीन लोगों ने देखा था, ठीक है, तो तब मैंने क्या किया, ईंटों पर चढ़कर मैं नाचने लगा, ठीक है। तुम्हारी ट्रिक क्या है, ईंट पर चढ़ नाच फांद आया, मतलब दीवार फांद आया, दीवार फांद आया, कैसे, भी इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, थॉमसन, ठीक है। दूसरी बात, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, पैसे हो गया थॉमसन या थॉमसन बोल सकते हो, पैसे हो गया प्रोटॉन, और इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक और खोज की थी न्यूट्रॉन की, नाइट्रोजन की, न्यूट्रॉन की नहीं, नाइट्रोजन की खोज की थी इसने, ठीक है। इसके बाद चे से हो गया, चे इसको साइलेंट रख लेते हैं, ने से हो गया न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किसने की थी, चेस हो गया, चेडविक ने की थी। फांद से फोटोन, आ से आइंस्टीन, ठीक है। ईंट पर चढ़ इलेक्ट्रॉन का हो गया थॉमसन, पर का मतलब प्रोटॉन, रे का रदरफोर्ड, और इसने एक और खोज की थी नाइट्रोजन की, नाच से हो गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक, और फांद का मतलब फा का हो गया फोटोन, आई का मतलब आया, आई का मतलब आइंस्टीन, फोटोन की खोज किसने की थी, आइंस्टीन की खोज की थी, ठीक है, ये बात है। अब देखते हैं, तीन भागों में मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे ऋणावेश होता है, ऋणावेश आयन। प्रकृति के अंदर दो ही प्रकार के आयन पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है ऋणायन, या दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक तो होता है ऋणावेश और दूसरा धनावेश, दो ही प्रकार के आवेश बोल दो, आयन बोल दो, एक ही बात है, ऋणायन या धनायन, या ऋणावेश या धनावेश, ठीक है। तो ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस धनावेश,
ठीक है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन बोला जाता है। जिसपे कोई चार्ज नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। इसकी खोज किसने की? थॉमसन ने। इसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक अस्थिर कण माना जाता है। कौन सा कण? अस्थिर कण माना जाता है। इसे स्थिर कण माना जाता है। वो कहां पे पाया जाता है? नाभिक के अंदर। और इसके साथ ये भी स्थिर मान सकते हो, ठीक है, होता है, स्थिर ही होता है, पर इसके कोई पूछा नहीं जाता क्वेश्चन। और ये भी कहां पे पाया जाता है? नाभिक में। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कण है वो कौन कौन से कण है? एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरा कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आवेश की। इनका आवेश का मान कितना होता है? इनके आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे आवेश पाया जाता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और इस पे कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन का, प्लस प्रोटॉन का। अब द्रव्यमान एक बार यहां से छोड़ दीजिए, इसका द्रव्यमान कितना होता है? -1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान छोड़ दीजिए एक बार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? -1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम इसका आवेश होता है। अब आकार की बात बताई थी मैंने, इसका आकार कितना बताया था? 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर या 10⁻¹⁰ मीटर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन पर कितना चार्ज, इसका व्यास कितना होता है? 10⁻¹³ सेंटीमीटर, या बोल सकते हो 10⁻¹⁵ सेंटीमीटर परमाणु का व्यास होता है। 10⁻³ सेंटीमीटर या 10⁻¹⁵ मीटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस पे आता है 10⁻¹⁶ सेंटीमीटर या 10⁻¹⁸ मीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, ये तो हो गया, इसके बारे में वर्णन हो गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, अस्थिर कण माना जाता है। इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। द्रव्यमान मान लीजिए एक बार छोड़ दीजिए, 10⁻¹⁶ सेंटीमीटर या 10⁻¹⁷ सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। इसके बारे में प्रोटॉन धनावेश होता है, स्थिर कण माना जाता है, जो कि नाभिक में स्थित होता है। इसका आवेश होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। माइनस आवेश, सॉरी, इसका द्रव्यमान होता है -1.672 × 10⁻²⁷। और इस पे चार्ज कौन सा होता है? इसका आकार क्या होता है? 10⁻¹³ सेंटीमीटर से 10⁻¹⁵ मीटर बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु संरचना की। देखो, परमाणु की संरचना है जो तुलना की जाती है पृथ्वी पर उपस्थित सौरमंडल में। सौरमंडल में क्या होता है? सौरमंडल का जो नाभिक माना जाता है उसे बोलते हैं सन, सूर्य। और इसके जो चारों ओर कक्षा लगाते हैं ग्रह, ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा होती है जो सूर्य के चारों ओर है। यही तुलना हम करते हैं, सूर्य को मान लीजिए नाभिक, और इसके चारों ओर कक्षा कौन लगाते हैं? ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, जिसमें उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस और एक न्यूट्रॉन। एक बात ध्यान रखना, परमाणु के अंदर जितना आवेश प्लस या जितने कण इलेक्ट्रॉन के हैं, इलेक्ट्रॉन का जितना मान है उतना कितना किसका होना चाहिए? प्रोटॉन का होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऋणावेश होते हैं, मतलब विपरीत प्रकृति के होते हैं।
जैसे देख लीजिए, इस पे होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे जितना मान होता है ठीक है उसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, ठीक है। दोनों को तुल्य करने पर मान क्या होता है इनका, जीरो प्राप्त होता है। जितने प्लस के होते माइनस के तो जीरो ही होगा, दोनों को एक तरह मतलब समन्वय कर लिया, समन्वय कर लिया इनका, तो मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो माना जाता है भी स्वतंत्र रूप से, जब तक एक परमाणु के पास दूसरा परमाणु न आए तब तक, ठीक है, परमाणु को आवेश रहित माना जाता है। तब तक कब तक माना जाता है, जब तक इसके पास कोई दूसरा कण न आ जाए, दूसरा परमाणु न आ जाए, तब तक इस पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। वो बाद की बात है, अगर प्लस आए बाद की, माइनस आए ये बाद की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं ये नाभिक होता है, नाभिक का व्यास कितना होता है, नाभिक का व्यास होता है 10^-14 सेंटीमीटर या 10^-16 मीटर, जो प्रोटॉन से कम होता है, सॉरी प्रोटॉन से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से कम हो सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है, कक्षीय है, नाभिक हो गया, इसके मान भी बराबर होते हैं, चलो मान लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात मान बराबर होते हैं। अपने को क्या करना है, इनकी जो कक्षा होती है, कक्षा कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भी, जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो कक्षा कौन सी कहलाती है, वो कक्षा कहलाती है दीर्घवर्तीय कक्षा, ठीक है। कौन सी कक्षा है, दीर्घवर्तीय कक्षा। अब एक फॉर्मूला है सभी को पता है आपको, बी टू एन टू, टू एन टू का फॉर्मूला होता है, इनके अंदर जो कक्षा होती है नाभिक के चारों ओर उनमें इलेक्ट्रॉन को वितरण करने के लिए, कितनी कक्षा होती है, चार, कौन कौन सी, के एल एम एन, ठीक है। इस फॉर्मूले में एन को क्या माना जाता है, कक्षा मानी जाती है, कक्षा की संख्या मानी जाती है, देखते हैं पहली कक्षा के, दूसरी तीसरी चौथी, दो गुणा में एक की स्क्वायर, कक्षा पहली है, ठीक है, तो कितना माना गया, तो दूसरी बात, दूसरी कक्षा दो गुणा में दो की पावर दो, दो दुणी चार गुणा में, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, आठ, तीसरे में दो गुणा में तीन की पावर दो, अठारह, इसकी अगली कक्षा में दो गुणा में चार की पावर दो बराबर 32, ये तो होगी कक्षा, ठीक है, जिसे मान सकते हो ग्रह, मतलब तुलना की थी। अब ग्रह के जो चलन और चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं उपग्रह, तो इन्हीं कक्षा में चार कक्षाएं अलग होती है जिसका मान होता है एस पी डी और एफ, चार कक्षाएं होती है। अभी तो कारण क्या है इसका, कक्षा होने का, इसमें इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10, 14 ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं बात क्या है, विभितरण कैसे करते हैं, ये बात याद रखना, ये जो कक्षा है इस कक्षा की एक उपकक्षा ही होती है, मान लीजिए पहली कक्षा होगी ये, ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी, चार कक्षा होगी। अब इन्हीं कक्षा के अंदर जो पहली कक्षा मानी जाती है के, के की एक एक कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कौन किस प्रकार के, एस प्रकार के, ठीक है। दूसरी होती है पी, पी में दो प्रकार, सॉरी दूसरी कक्षा कौन सी है, एल, जिसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन सुमेलित कर चुके हैं, उप कक्षा इसकी दो होती है एल की, कौन कौन सी, जिसमें सुमेलित कर दिया जाता है एस प्लस पी को, दोनों को, ठीक है। तीसरी मान लीजिए इसकी एक उप कक्षा मान ली ये, ठीक है, तीसरी है जिसके अंदर कितने आए, एस पी डी, एक उप कक्षा, दूसरी तीसरी, ये कौन सी होगी, एम, और चौथी है एन, जिसके अंदर एस पी डी अब चारों आ जाते हैं, एस पी डी अब चारों इलेक्ट्रॉन को भेज जाते हैं। पहली कक्षा मानते हैं कारण क्या, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो, और इसकी कक्षा कितनी है, कक्षा की उपकक्षा कितनी है, दो, तो इसमें एक
एक कक्ष उपकक्षा मानी जाती है दो इलेक्ट्रॉन आगे गए, ठीक है। दूसरी है एल, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आठ, आठ आएंगे। तो मैंने बताया था दूसरी कक्षा की दो उपकक्षा है एस और पी, जिसके अंदर दो और छह, तो पहली कक्षा में आ जाएंगे दो और दूसरी उपकक्षा में आ जाएंगे छह इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, आठ हो गए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम अठारह, एम है अठारह, दो प्लस छह प्लस दस, टोटल कितने हो गए, अठारह, वितरण हो गया। चौथी है एन, एन में कितनी है, एस पी डी एफ, मतलब चारों उपकक्षा आ गई, तो मान लीजिए बत्तीस है, तो बत्तीस का मान हो गया दो प्लस छह प्लस दस प्लस चौदह बराबर बत्तीस इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की उपकक्षा होती है, पहले की कक्षा, पहली कक्षा के है जिसका मान होता है दो, दूसरे में आठ, तीसरे में अठारह और चौथे में बत्तीस आ गए, ठीक है, बात कर लिए। अब इनके अलावा एक और टॉपिक रह गया, परमाणु बाद और परमाणु संख्या। बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबरिंग। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, यो वो याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु संख्या की, जिसे परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, नंबर पहला अक्षर कौन सा है, एन। मान लेते हैं एन को बोल दिया यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोल दिया, चल ठीक है, यही बात याद रखनी है। नंबरिंग है, नंबरिंग में न्यूट्रॉन मान लिया एन को, ठीक है। तो बच्चे कौन कौन से कण बच गए, एक तो बच गया प्रोटॉन प्लस आवेश और दूसरा बच गया इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। अब या तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या बराबर होती है, बताया था मैंने स्वतंत्र रूप में, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या, क्योंकि जहां पे न्यूट्रॉन उपयोग था, न्यूट्रॉन हमने मान लिया एन है, इसमें न्यूट्रॉन है, सिर्फ याद रखने के लिए होता नहीं है। दूसरी बात, परमाणु भार है, परमाणु भार हटाना है, परमाणु भार किसी वस्तु का जो केंद्र होता है, ठीक है, परमाणु का मान लिया केंद्र कौन सा होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में जो भार होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो नाभिक में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन सॉरी कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो भार में किससे डिनोट करेंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की टोटल संख्या को निरूपित करेंगे परमाणु भार के अंदर। अब एक पिछले कुछ एग्जामों के अंदर तीन क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं, तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं, भी एक तो इलेक्ट्रॉन है, पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रॉनों का एंटी कण होता है, एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन, जिसकी एंटी से याद रखना ए है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन होता है। इसकी खोज किसने की थी, ई से सॉरी ए से मान लेना, एंडरसन ने, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन होता है और इसकी खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। अब पूछ लिया जाता है, दो चीजें दो नाम लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, एक तो होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जो बताया था जो परमाणु का एक कण है, और दूसरा होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, पर न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पाउली ने। कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, हम मान लेते हैं भी ये न्यूट्रॉन ही होता है और इससे मिस प्रिंटिंग हो गई इसलिए इसने न्यूट्रॉनो कर दिया, पर नहीं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना एक दो बार ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पर अगर मेरी वीडियो पसंद आई
तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।